नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज दिनांक 27/5/2024 दिन सोमवार को मोहम्मदाबाद विधानसभा के महरेवा मंदिर का मैदान बैजलपुर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बलिया लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पीयूष राय एमएलसी, विशाल सिंह चंचल, लोकसभा प्रभारी मार्कंडे शाही, संदीप सिंह, श्यामराज तिवारी, कृष्ण बिहारी राय, विजय शंकर राय, ओम शंकर राय सहित हजारों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता से अपील की कि भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि बलिया का विकास और तेजी से हो सके। उन्होंने कहा कि नीरज शेखर जी का नेतृत्व बलिया को एक नई दिशा देगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार, किसानों को समृद्धि और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में प्रदेश की वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में हमने पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ काम किया है। बलिया के लिए हमारे पास विकास की व्यापक योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किए गए सुधारों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा किया है और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कदम उठाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अगर माफियाओं का संकल्प गरीबों की हत्या करना था तो मेरा भी संकल्प ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का था। यही योगी आदित्यनाथ जी ने बलिया के विकास के लिए कई योजनाओं को भी घोषणा की, जिनमें सड़कों की मरम्मत, नई स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और किसानों के लिए नई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि बलिया को एक आदर्श जिला बनाए जहां हर नागरिक को उनकी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। रैली के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित नागरिकों का धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार जनता के हर विश्वास पर खरा उतरेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट।